सो हेलो पीपल दिस इज यैनल सी ए टी वी एंड इस वीडियो में वी आर गोइंग टू रिवाई एज ट्वेंटी फाइव इंटरम फाइनेंशियलियलियलियलियल रिपोर्टिंग इंटरनीम फिनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करें तो पी एम एस के सेवन क्वेश्चन है और एस एम एस के फोर क्वेश्चन है तो इस तरीके से हम बात करें तो इंटरम फिनेंशियल रिपोर्टिंग के अप्रॉक्स इलेवन क्वेश्चन है ठीक है अब इंटरिम फिनांशियल रिपोर्टिंग की बात करें तो इंटरम पीरियड का मतलब क्या होता है इंटरम फिनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरिम पीरियड की हो रही होगी तो इंटरम पीरियड का मतलब क्या है इंटरव्यूम पीरियड इज अ फिनेशियल रिपोर्टिंग पीरियड अब ये भी पीरियड है फिनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड है शॉर्टर देना फुल फाइनेंशियल ईयर जो फुल फाइनेंशियल ईर जो है पूरे फाइनेंशियल ईयर से छोटा ये फाइनेंशियल ईयर है ठीक है ये interim पीरियड एज द फिनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड जो शॉर्टर full financial year है अब सी ये interim फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इतना ज़्यादा कुछ आ, नोटिंग करने का नहीं है जो नोट्स में देकर रखा है उसके बेसिस पर हम अपन अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं ठीक है थीके? अब interim फाइनेंशियल रिपोर्ट मीन्स financial रिपोर्ट अब जैसे कि इंटरीम पीरियड मीस इंटरम रिपोर्टिंग पीरियड मतलब तो, financial रिपोर्टिंग पीरियड तो वन सेकेंड हाँ तो जैसे इंटरिम पीरियड हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड है जैसे इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट फिनेंशियल रिपोर्ट कंटेनिंग आइदर कंप्लीट सेट तो देखो ऑप्शन है या तो कंप्लीट सेट ठीक है ऑफ कम्प्लीट स्टेटमेंट और कंडेंस सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कंप्लीट सेट हो या कंडेंस सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो फॉर एन इंटरम पीरियड अब हमारे जैसे कि ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज इट्स एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मे बी शॉर्टर दैन अ फाइनेंशियल ईयर तो क्या बोला है जूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज तो ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज जब इंटरप्राइज का पहले साल का ऑपरेशन चल रहा है फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज इट्स एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड मे बी शॉटर दैन अ फिनैंशियल ईयर तो उसमें जो इसका एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड है वो शॉटर दैन द फाइनेंशियल ईयर है द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है एनुअल फाइनेंशियल सो ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन अगर फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन देखे ऑफ एन इंटरप्राइज इट्स एन एनुअल रिपोर्टिंग सो ड्यूरिंग दर्स्टर ऑफ ऑपरेशन ऑफ एन इंटरप्राइज इट्स एनुअल फाइनेंशियलियड मे बी शॉर्टर एन अंशियल ईयर इन सच अ दैट शॉर्टर पीरियड इज नॉट कंसिडर्ड एज इंटरम पीरियड तो शॉर्टर पीरियड है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा एज एन इंटरम पीरियड ठीक है तो कंटेंट ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट अब इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट की हम बात करें तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट हमने पढ़ा है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट की बात करें तो कंटेंट अंदर क्या रहेंगे ठीक है तो हम बात कर रहे हैं कंटेंट ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट की तो कंटेंट ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट में जो हम बोल रहे थे कि फाइनेंशियल रिपोर्ट है इसमें कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है कंटेंट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है तो वही इंटरिम फिनेंशियल रिपोर्ट के अंदर कंटेंट क्या होंगे बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ़ पी कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट ठीक है ये चार तरीके की चीज़ें होगी अब इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइमलीनेस एंड कॉस्ट कंसीडरेशन वो टाइम को कॉस्ट कंसीडरेशन को एंड टू अवॉइड रिपीटन ऑफ इन्फॉर्मेशन वो रिपीटेशन ऑफ़ इंफॉर्मेशन को अवॉइड करने के रिस्पेक्ट में इंटरप्राइज मे बी रिक्वायर्ड और मे इलेक्ट इंटरप्राइज चूज कर सकती है क्या चूज कर सकती है कि प्रेजेंट लेस इंफॉर्मेशन क्या हम तो कम इन्फॉर्मेशन देंगे एट द इंटरविम डेट एज़ कम्पेयर टू एनुलअअल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो एनुलअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इन्फॉर्मेश आई है ऑब्वियससी बात है इससे कम भी तो इन्फॉर्मेशन देंगे तो इंटरनेट जैसे चूज कर सकती क्योंकि सारे की सारी इन्फॉर्मेशन बार बार देते रहे तो एक तरीके से यही हो जाएगा कि सिंपल सी बात है अगर हमने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगी अननेसेसरी का हैसल होगा ठीक है ना सो फॉम एंड कंटेंट ऑफ इंटरनेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्म एंड कंटेंट है अभी अपन ने बोला कि देखो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर है इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट सेट का बन सकता है कंटेंस का बन सकता है जब इंटरप्राइज एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट में तो जो उसके फॉर्म एंड कंटेंट है वो कन्फर्म करना चाहिए टू द रिक्वायरमेंट तो क्या बोल रहा है शुड कन्फर्म टू द शुड कन्फर्म टू द रिक्वायरमेंट तो जो रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है एक एनुअल कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो जो है रिक्वायरमेंट जो लगती है एनुअल जो है एनुअल कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वही रिक्वायरमेंट जो है हमारी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी होना चाहिए ठीक है तो जो रिक्वायरमेंट हमारी एनुअल कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है तो जो रिक्वायरमेंट हमारी एनुअल कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है वही रिक्वायरमेंट हमारी कन्वेंस में भी कंप्लीट में भी होनी चाहिए ठीक है क्योंकि आप एनुअल सेट में बता रहे हो जो जो रिक्वायरमेंट तो वही रिक्वायरमेंट आपकी इंटरव्यू में भी होनी चाहिए रही बात आती है जब इंटरप्राइज प्रिपेयर कर रहा है कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कंडेंस्ड स्टेटमेंट शुड इंक्लूड एट अ मिनिमम मिनिमम क्या इंक्लूड होना चाहिए हेडिंग सब हेडिंग दैट वार इंक्लूडेड इन द मोस्ट रिसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आ, उसमें जो भी हेडिंग और हेडिंग और सब हेडिंग थी ना तो वो हेडिंग और सब हेडिंग इसमें भी यूज़ करना आपको कंडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो आपको तो कन्फर्म करना रिक्वायरमेंट का और कंडेंस में कम से कम हेडिंग सब हैडिंग तो रखना और बेसिक और डायल्यूटेड डी शुड बी प्रेजेंट इन अकॉर्डिंग विद एस ट्वेंटी ऑन द स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल के फेस पे आप बी पी एस और डी पी एस रखना ठीक है तो बेसिक एंड डायल्यूटेड डी पी एस शुड बी प्रेजेंटेड इन अकॉर्डिंग विद द ए एस ट्वेंटी ऑन द फेस ऑफ़ स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल ठीक है तो भले ही आप कंप्लीट फाइनेशियलियलियलियलियलिय स्टेटमेंट बनाओ आप कंडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ तो वैसे ये कि अगर आप कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ या कंडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के फेस पे बी बीपीएस और डी पी एस का बताना पड़ेगा अब इंटरप्राइज शुड इंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज अ मिनिमम इन द नोट्स आप क्या बोल रहे हैं कि इंटरप्राइज को इंक्लूड करना चाहिए फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज अ मिनिमम ये मिनिमम ये नोट्स में तो होना ही चाहिए जैसे कि स्टेटमेंट दैट द सेम अकाउंटिंग पॉलिसी आर फॉलोड इन इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज दोज फॉलोड इन द मोस्ट रिसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो जो हमने मोस्ट रिसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फॉलो करी वही अकाउंटिंग पॉलिसी आपको इंटरनेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी फॉलो करना है ठीक है और फॉलो करी है ऐसा कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी जो है हमने रिसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फॉलो करी है वही वही हमने जो है इंटरनेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी फॉलो करी है अब एक्सप्लेनिटिव स्टेटमेंट अबाउट द सीजनलिटी कुछ सीजनलिटी के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेनिश्री कमेंट नेचर एंड अमाउंट ऑफ आइटम तो नेचर ऑफ आइटम और अमाउंट ऑफ आइटम तो नेचर एंड अमाउंट ऑफ आइटम जो अफेक्ट करा है असेट लाइबिलिटी इक्विटी नेट इनकम कैश फ्लो को तो नेचर एंड अमाउंट ऑफ आइटम जो अफेट करा है असेट लाइबिलिटी इक्विटी नेट इनकम कैश लोग डेट आर अनयूजअल तो नेचर एंड अमाउंट ऑफ आइटम जो अनयूजल है तो अन नेचर एंड अमाउंट ऑफ आइटम इधर जाते हैं ठीक है और अनयूजअल क्यों है क्योंकि नेचर साइज और इंसिडेंस के अकॉर्डिंग ठीक है ये अनयूजअल नेचर एंड अमाउंट ऑफ आइटम है ये इधर जाते हैं तब ने अकाउंटिंग पॉलिसी की बात करी जो रिसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं वही इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फॉलो कर रहा करा सीजनलिटी कुछ चेंजेस है तो हमने उसको पे एक्सप्लेनेटरी कमेंट किया नेचर एंड अमाउंट ऑफ आइटम जो अनयूजल है बिकॉज ऑफ नेचर साइज एन इंसिडेंस तो वो हमने करा नेचर एंड अमाउंट ऑफ चेंज इन द एस्टिमेट अब इधर नेचर एंड अमाउंट ऑफ आइटम जो अफेक्ट एसेट और करिएबिलिटी इधर नेचर एंड अमाउंट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट तो चेंज इन एस्टिमेट तो क्या बोला है कि नेचर एंड अमाउंट ऑफ आइटम अफेक्टिंग असेट लाइबिलिटी इक्विटी नेट इनकम और कैश लो वो जो अनयूजअल है यही बात आती है कि जब नेचर एंड अमाउंट ऑफ आइटम अफेक्टिंग असेट लाइबिलिटी नेट इनकम जो है क्योंकि वो अनयूजअल है और नेचर नेचर एंड अमाउंट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट ऑफ अमाउंट रिपोर्टेड इन प्रायर इंटर पीरियड तो नेचर एंड अमाउंट ऑफ चेंज इन द एस्टीमेट ऑफ अमाउंट तो चेंज इन एस्टिमेट ऑफ अमाउंट रिपोर्टेड इन प्रायर इंटरम पीरियड तो जो प्रायर इंटरिम पीरियड्स में देखो प्रायर इंटरिम पीरियड्स में हो सकता है कि पुराने इंटरिम पीरियड्स में जो अमाउंट आपने रिपोर्ट करके रखे हो तो चेंज इन द एस्टीमेट ऑफ द अमाउंट उसके एस्टिमेट आप चेंज कर रहे हो तो चेंज इन द एस्टिमेट ऑफ अमाउंट रिपोर्टेड इन प्रायर इंटरिम पीरियड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इफ दो चेंजेस हैव अ मटेरियल इफेक्ट चेंज का मटेरियल है मतलब सिग्निफिकेंट चेंज की बात कर रहे हैं तो नेचर नेचरल अमाउंट एंड चेंज इन एस्टिमेट तो सिग्निफिकेंट चेंज इन एस्टिमेट तो आपके जो है आपने अमाउंट जो रिपोर्ट करी थी आपने प्रायर इंटरिम पीरियड में तो प्रायर इंटरम पीरियड में जो आपने अमाउंट रिपोर्ट करा था इन प्रायर इंटरवीम पीरियड ठीक है तो नेचर एंड अमाउंट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट इज रिपोर्ट इन प्रायर इंटरम पीरियड इन ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर तो करंट फिनेंशियल ईयर के प्रायर इंटरम पीरियड में कोई अमाउंट था ठीक है तो नेचर एंड अमाउंट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट ऑफ अमाउंट तो उस अमाउंट ठीक है तो चेंज इन एस्टिमेट ऑफ अमाउंट है और ये चेंजेस जो है मटेरियल इफेक्ट क्रिएट कर रहा है करंट इंटरिम पीरियड पे ठीक है तो वो आ जाता है अब क्या लिखा हुआ है कि अस्मिता लिमिटेड बुट रिपोर्ट, रिपोर्ट इंटायर टू 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 लाख लॉस ऑन द डिस्पोजल ऑफ यू बिजनेस सेगमेंट सिंस द लॉस वॉज इंकर्ड ड्यूरिंग इंटरिम पीरियड अन यूजल सर्कमस्टांसिस मर्जर एंड अमेलगमेशन कांट बी एंटिसिपेटेड क्या बोला है अस्मिता लिमिटेड को रिपोर्ट करना चाहिए इंटायर दो लाख जो उसका लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ बिजनेस सेगमेंट है क्योंकि लॉस इंकर्ड ड्यूरिंग इंटरिम पीरियड ठीक है तो ये जो अनयूजल आइटम थे ठीक है ये डिस्क्लोज करना पड़ता है अनयूजल है ठीक है मैं वापस रिपीट करूँगा कि नेचर एंड अमाउंट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट ऑफ अमाउंट ठीक है तो अमाउंट जो आपने रिपोर्ट करा था प्रायर इंटरिम पीरियड में करंट ही फाइनेंशियल ईयर के प्रायर इंटरिम पीरियड में उसमें ही अगर जो है आपने जो अमाउंट रिपोर्ट करा था उसमें चेंज इन एस्टिमेट है तो आपको बाकायदा जो है आपको वो भी बताना पड़ता है अगर चेंज मटेरियल है तो इशू बाय बैक रीपेमेंट इस री ऑफ डेप इक्विटी एंड पोटेंशियल इक्विटी शेयर दी इशू बाई बैग रीपेमेंट एंड री स्ट्रक्चरिंग ऑफ डेप्ट इक्विटी एंड पोटेंशियल इक्विटी शेयर ठीक है डिविड एंड एग्रीगेट और पर शेयर तो डिविड एंड एग्रीगेट और पर शेयर तो सेपरेटली फॉर इक्विटी शेयर एंड अदर शेयर फिर सेगमेंट रिवेन्यू सेगमेंट रिवेन्यू सेगमेंट कैपिटल इम्प्लॉयड सेगमेंट रिजल्ट फॉर बिजनेस सेगमेंट और जोग्राफिकल सेगमेंट तो सेगमेंट रिवेन्यू सेगमेंट कैपिटल इम्प्लॉयड तो सेगमेंट का सेगमेंटल इन्फॉर्मेशन है

तो इफेक्ट ऑफ चेंजेस ठीक है तो ये बात है इफेक्ट ऑफ चेंजेस ड्यूरिंग द इंटरिम पीरियड और मटेरियल चेंजेस इन कंटिजेंट लाइब्रेटरी तो चेंज की बात करें तो चेंज के कितने सारे अगर हम देखें अगर इस परस्पेक्टिव से देखें तो चेंज की बात करें तो भैया मटेरियल चेंज की बात करें ठीक है मटेरियल चेंज इन कंटिजेंट लाइब्रेटी तो मटेरियल चेंज इन कंटिजेंट लाइब्रेटी ठीक है तो मटेरियल चेंज हो गया कंटिजेंट लाइब्रेटी में और चेंज डिम पीरियड ये मटेरियल चेंज हैिटी में चेंज इन इंटरिम पीरियड तो चेंज इन इंटरिम पीरियड तो चेंज डिम पीरियडन इफेक्ट ऑफ चें ज्यूरिंग द इंटर ज्यूरिंग द इंटरम पीरियड एम एलगमेशन एक चेंजेस है तो चेंजेस डूरिंग द इंटर पीरियड उसका इफेक्ट है फिर आती बात की एकोर चेंज की बात करते हैं तो इधर बोले तो चेंज एकोर था जो था चेंज इन एस्टिमेट तो प्रायर इंटरिम पीरियड के जो अमाउंट आपने रिपोर्ट करा है उसमें चेंज इन एस्टिमेट हो रहा है तो चेंज इन एस्टीमेट ऑफ अमाउंट रिपोर्टेड तो इन प्रायर इंटरिम पीरियड तो प्रायर इंटरिम पीरियड में जो अमाउंट रिपोर्टेड है तो चेंज इन एस्टिमेट और जिसका इम्पैक्ट है इफ दो चेंजेस चेंज इन एस्टिमेट इफ़ दो चेंजेस मटेरियल इफेक्ट ऑन द करंट फिनेंशियल पीरियड इस चेंजेस की अपन ने बात करी तो इस तरीके से जो है हमने सारे पॉइंट्स को समझा कि कौन कौन से पॉइंट है ठीक है जो हमको मिनिमम नोट्स में होने चाहिए ठीक है अब पीरियड फॉर विच इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड सी इन स्टडी मटेरियल ओके पीरियड फॉर विच इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहाँ पे इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड अब इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या बात करें इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने पढ़ा था कि ये बैलेंस शीट कैश फ्लो नोट्स अकाउंट ये सब कवर है ठीक है अब सबसे बड़े इंटरम रिपोर्ट शुड इंक्लूड इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं कि इंटरियम रिपोर्ट में इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए ठीक है फॉर द पीरियड तो इंटरम रिपोर्ट में इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए तो इंटरम रिपोर्ट में इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने चाहिए ठीक है तो शुड इंक्लूड इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर पीरियड किस किस पीरियड के होना चाहिए सबसे पहले अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट की बात करें एज ऑफ एंड ऑफ करंट इंटरिम पीरियड तो जैसे कि भाई करंट फाइनेंशियल ईयर है और तीन तीन महीने के अगर इंटरिम पीरियड आ रहे हैं हमारे पास ठीक है तो बैलेंस शीट एज एट एंड ऑफ करंट इंटरिम पीरियड तो जो भी इंटरिम पीरियड लग रहा है जैसे कि मैं सेकेंड की बात करूँ तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सेप्टेंबर तो एंड ऑफ ठीक है तो तीस सेप्टेंबर ठीक है एक हमारा हो गया तीस सेप्टेंबर एंड अ कंपेयर बैलेंस शीट एज एट एंड ऑफ इमीजिएटली प्रिसडिंग फिनेंशियल ईयर ठीक है तो करंट इंटरिम पीरियड का ये हो गया ठीक है ये करंट इंटरिम पीरियड का एंड अ कम्पेरेटिव बैलेंस शीट ठीक है तो बैलेंस शीट एज एट दी एंड ऑफ दफ एट दी एंड ऑफ करंट इंटरिम पीरियड ठीक है उसकी बैलेंस शीट एंड अ कम्पेरेटिव बैलेंस शीट एज ऑफ द एंड ऑफ इमीजिएटली प्रिस फाइनेंशियल ईयर तो एक इमीजिएटली फाइनेंशियल ईयर की बात कर ली अब आती बात स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल की तो इधर अपन ने बात क्या कर ली कि तीस सेप्टेम्बर बीस की और प्रीवियस प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के एंड की ठीक है फिर आती है बात है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की तो करंट इंटरिम पीरियड हमारा है तो पीएनएल करंट इंटरिम पीरियड एंड क्यूमुली फॉर द करंट फिनेशियल ईयर टू डेट तो क्या बोला करंट इंटरिम पीरियड ठीक है तो करंट इंटरिम पीरियड तो हमारा तीस नौ तो हो गया तो करंट इंटरिम पीरियड सो एज एट एंड ऑफ ये तो एंड था एंड ऑफ द करंट इंटरिम पीरियड स्टेटमेंट ऑफ ऑफर फॉर द ईयर एंडेड होता है ना स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल तो फॉर द ईयर एंडेड होता है तो इधर क्या बोल रहा है करंट इंटरिम पीरियड का तो इधर तो एंड ऑफ करंट इंटरिम पीरियड था तो जैसे कि हमारा एट डी एंड ऑफ ईयर होता है जैसे एंड ऑफ करंट इंटरिम पीरियड इधर अगर हम बोले तो स्टेटमेंट ऑफ इन करंट इंटरिम पीरियड का रहेगा तो उसमें भी वही है तो अगर हम बात करें तो हम इसको करंट इंटरिम पीरियड ही बोलते हैं ठीक है करंट करंट पीरियड ना करंट इंटरिम पीरियड और प्रीवियस ईयर का एंड पी एन एल में भी ऐसा है कि करंट इंटरिम पीरियड है और ठीक है तो करंट इंटरिम पीरियड है साथ ही साथ करंट इंटरिम पीरियड तो है ही है साथ ही साथ क्यूमुलेटिवली करंट फिनेंशियल ईयर टू डेट तो ईयर टू डेट तो एक तो होता है हमारा पीरियड और एक होता है ईयर टू डेट तो अगर हम देखें तो बैलेंस शीट में हमने बात करी थी तीस सेप्टेम्बर दो फिर आता है इकतीस मार्च दो हम अगर पी की बात करें तो अप्रैल मई जून जुलाई एक जुलाई से तो एक जुलाई से ठीक है ये हम लेंगे तीस सितंबर ठीक है फिर एक आता है एक अप्रैल से तीस सितंबर ये हो गया हमारा विथ कंपेरेटिव स्टेटमेंट तो ये कर, इसके कंपेरेटिव में क्या लिखोगे जैसे कि इसके कंपेरेटिव में इसके कंपेरेटिव में ये था इमिडली प्रसिडिंग ईयर का तो अगर ठीक है तो इसके कंपेरेटिव में क्या लेंगे पी एन एल ऑफ कंपेरेबल इंटरिम पीरियड तो कंपेरेबल इंटरिम पीरियड मतलब एक जुलाई नाइनटीन से तीस सेप्टेंबर नाइनटीन और एक अप्रैल मतलब इधर हम बात करें तो एक अप्रैल नाइनटीन से तीस ठीक है तो एक अप्रैल नाइनटीन से तो ईयर टू डेट है तीस सेप्टेंबर नाइनटीन कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यूमुलेटिवली फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर टू डेट ठीक है तो करंट फाइनेंशियल ईयर टू डेट विद द कंपेरेटिव स्टेटमेंट तो करंट फाइनेंशियल ईयर टू डेट अब इधर क्या बोल रहा है इधर करंट इंटरिम पीरियड का नहीं बोल रहा है डायरेक्ट करंट फाइनेंशियल ईयर टू डेट बोल रहा है विद द कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कम्पेरेबल ईयर टू डेट पीरियड ऑफ द इमीजिएटली प्रीसीडिंग ईयर ठीक है तो करंट फाइनेंशियल ईयर टू डेट तो इधर भी डायरेक्ट ईयर टू डेट है और इधर भी जो है साथ में कंपेरेटिव की बात करें तो इमीजिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है ये हमारा हो गया ठीक है तो बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ पी और, और कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर ली अब मटेरियलिटी की बात करें तो मटेरियलिटी की हम अगर बात करें तो इसमें देखो इसमें समझने का क्या है तो इधर हम बात करें तो करंट इंटरिम पीरियड तो करंट इंटरिम पीरियड तो हमने करंट इंटरिम पीरियड की हमको बैलेंस शीट भी देगी करंट इंटरिम पीरियड की हमको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी देगा अगर इंटरिम पीरियड की बात करें तो करंट इंटरिम पीरियड की बैलेंस शीट भी है करंट इंटरिम पीरियड का स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी है ठीक है पर करंट इंटरिम पीरियड के साथ इसमें क्यूमुलेटिवली फिनेंशियल ईयर टू डेट भी आ गया ठीक है तो इस तरीके से जो है देखो आप सिंपल सी बातें अब ओवर्स को सिस्टमैटिक कर सकते हैं बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ पी और कैश फ्लो स्टेटमेंट बैलेंस शीट में करंट इंटरिम पीरियड है सिर्फ ये चीज़ है साथ में कम्पेरेटिव में इमीडिएटली इमीजिएटली करंट इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का था तो जैसे कि करंट इंटरिम पीरियड था 30 नवंबर 30 सितंबर 20 तो इमीडिएटली प्रिस फाइनेंशियल ईयर का 31 मार्च बीस स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में क्या है करंट इंटरिम पीरियड है एंड करंट फाइनेंशियल ईयर टू डेट है तो करंट फाइनेंशियल ईयर टू डेट है विद कंपेरेटिव प्रीवियस ईयर का कैश फ्लो स्टेटमेंट में करंट फाइनेंशियल ईयर टू डेट है तो इसमें करंट पीरियड नहीं है विद अ कम्पेरेटिव क्या है कम्पेरेबल ईयर टू डेट तो फिर वही कंपेरेबल ईयर टू डेट है मटर्निटी इन डिसाइडिंग हाउ टू रिकॉग्नाइज ठीक है वन सेकेंड तो इसमें क्या बोला गया है तो बोला है कि इन डिसाइडिंग हाउ टू रिकोगनाइज मेजर क्लासीफाई एंड डिसक्लोज एन आइटम ऑफ इंटरिम फिनेशियल रिपोर्टिंग पर्पज मटेलिटी शुड बी असेस तो इन डिसाइडिंग हाउ टू रिकोगोगनाइज हमको हाउ टू रिकोगग्नाइज मेजर कैसे हमको रिकोगनाइज करना चाहिए मेजर करना चाहिए क्लासीफाई और डिस्कलोज एन आइटम फॉर इंटरिम फिनेंशियल रिपोर्टिंग परपज मटिलिटी शुड भी असेस तो इन डिसाइडिंग हाउ टू रिकोगगनाइज़ज किस तरीके से हमको रिकोगनाइज करना है मेजर करना है क्लासीफाई करना है डिस्क्लोज करना है एन आइटम फॉर इंटरिम फिनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पज मटेलिटी को हमको असेस करना पड़ेगा मेटर्निटी शुड भी असेस अब इधर बात हो रही है रिवेन्यू रिसिव सीजनली और ऑकेजनली तो रिवेन्यू सीजनली और ओकेजनली विद इन अ फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट बी एंटिसिपेटेड तो उसको एंटिसिपेट नहीं कर सकते भैया शुड नॉट बी एंटिसिपेटेड क्योंकि आपको सीजनली मिली है ओकेजनली मिली है तो शुड नॉट बी एंटिसिपेटेड तो क्या लिखा हुआ है शुड नॉट बी एंटिसिपेटेड और डेफर्ड एज ऑफ एन इंटरिम डेट तो ना तो एंटिसिपेट कर सकते हैं और डेफर्ड एज ऑफ एन इंटरिम डेट इफ़ द एंटिसिपेशन और डेफर्ड वुड नॉट भी अप्रोप्रिएट अगर नहीं अप्रोप्रिएट है एट द एंड ऑफ इंटरप्राइज फाइनेशियल ईयर तो आप उसको नहीं कर सकते रिवेन्यू डेट आर रिसिव्ड सीजनली और ऑकेजनली विदैनशियल ईयर शुड नॉट बी एंटिसपेटेड और डेफर्ड एज ऑफ एन इंटरीम डेट इफ एंटीसिपेशन और डेफर्डर वुड नॉट अप्रोप्रिएट एट द एंड ऑफ इंटरप्राइज फाइनेंशियल ईयर ठीक है date, deferred. Deferred तो इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं कि रिवेन्यू जो हमको रिसीव करते हैं सीजनली और ऑकेजनली जो हमको फाइनेंशियल ईर में मिलती है तो उसको एंटिसिपेट नहीं करना चाहिए ना तो उसको डेफर करना चाहिए अगर नहीं करना चाहिए अगर एंटिसपेशन और डेफरल वुड नॉट अप्रोप्रिएट अगर वो एंटीसिपेशन डेफरल अप्रोप्रेट नहीं है एट दी एंड ऑफ इंटरप्राइज फाइनेंशियल ईयर अगर उसका एंटिसिपेशन और डेफरल अप्रोप्रेट नहीं है एट दी एंड ऑफ इंटरप्राइज फाइनेंशियल ईयर तो जिसका डेफरल अप्रोप्रेट नहीं है कि हम उसको आखिर तक डेफर करें तो भाई उसको मत ही डेफर करो ठीक है जैसे कि द सीजनल और ओकेजनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर शुड बी रिकगनाइज वन दे अर्न एंड इंकर डिस्पेक्टिवली तो क्या बोल रहा है कि सीजनल और ओकेजनल इनकम एक्सपेंडिचर शुड भी रिकोगनाइज वैन दे आर अर्न एंड इंकर डिस्पेक्टिवलीसो पैरा थर्टी द कॉट शुड भी एंटिसिपेटेड एटर ऑनली इसको तभी डेफर करना चाहिए वन इट इज अप्रोप्रेट टू एंटिसिपेटेटेटेटेट दट टाइप ऑफ कॉस्ट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर या अगर मैं एंटिसिपेट कर सकता हूँ क्या इस टाइप की कॉस् ना एट दी एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर भी लगेगी इट इज अप्रोप्रेट टू एंटिसिपेट दैट टाइप ऑफ कॉस्ट एट दाइनेशियल ईयर एंड कॉस्ट आर इंकड अन इनली डरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑफ एन एंटरप्राइज तो इसको तभी रेफर करना चाहिए अगर ये मैं एंटिसिपेट करता हूँ दैट टाइप ऑफ कॉस्ट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्यों दैट टाइप ऑफ कॉस्ट को एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में भी एंटीसिपेट कर सकता हूँ साथ ही साथ कॉस्ट आर इंकड अन इवनली कॉस्ट जो इंकट हो रहा है वो अन इवनली हो रहा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑफ एन एंटरप्राइज और ड्यूरिंग द ईयर ऑफ एन एंटरप्राइज कॉस्ट इंकर हो रहे हैं अन इवनली पर ये कॉस्ट अन इवनली है और इनकर कर रहा हूँ एट द एंड ऑफ ईयर तब जाके डेफरल होगा अब क्या लिखा हुआ है बॉन्ड टू डेफोर ट्वेंटी एक्सपेंडिचर टू थर्ड क्वार्टर ऑन एन आर्गूमेंट डेट थर्ड क्वार्टर इज हैविंग मोर सेल देफोर थर्ड क्वार्टर शुड बी डेबिटेड बाई हायर एक्सपेंडिचर कंसिडिंग द सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट ऑल क्वार्टर तो वही है कि भले ही एक्सपेंडिचर यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द दल्ड क्वार्टर तो अब देखो क्या बोला है सबसे पहले डेफर करना है एक्सपेंडिचर ठीक है डेफर करना है एक्सपेंडिचर कंडीशन क्या है आप एंटीसिपेट कर रहे हो डेट टाइप ऑफ कॉस्ट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर थर्ड क्वार्टर में ज्यादा सेल है और थर्ड क्वार्टर शुड बी डेबिटेड विद हायर एक्सपेंडिचर सबसे पहले हायर ये जो है कॉस्ट और आर इंकर्ड अनिबनली अभी तो बोला एक्सपेंडिचर आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट ऑल द क्वार्टर अभी तो यूनिफॉर्म है तो अनिबनडली की तो बात ही नहीं है तो कैसे एक्सपेंडिचर आप कर लोगे डेफर ठीक है आप एंटिसपेट कर सकते हो डट टाइप ऑफ कॉस्ट ठीक है कुछ होगा डेट टाइप ऑफ कॉस्ट आप रूटीन कॉस्ट से आपको लग रहा है एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर भी आप आ, 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 वो जो है एंटिसिपेट कर सकते हो पर जब एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर भी आप अगर एंटिसिपेट कर सकते हो तो आपको ये भी तो समझना चाहिए कि वो अनिवार्य भी होना चाहिए तब जाके डेफर होगा ठीक है इस पर एस एम का इलास नंबर वन है हम उसको वो देखे, हम देखेंगे वो पर्टिकुलर गाइडेंस नोट ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एज ट्वेंटी फाइव टू इंटर एम फाइनेंशियल रिजल्ट तो गाइडेंस नोट ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एज ट्वेंटी फाइव टू इंटर एम फाइनेंशियल रिजल्ट ये क्या बोला है गाइडेंस नोट तो तो देखो गाइडेंस नोट ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ एस 25 वेदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 इंटरिम फिनेंशियल रिपोर्टिंग इज इधर वन सेकंड हाँ हाँ तो वेदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 इंटरिम फिनेंशियल रिपोर्टिंग इज एप्लीकेबल टू इंटरिम फिनेंशियल रिजल्ट प्रेजेंटेड बाय एन एंटरप्राइज परसुएंट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्टैचू दगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेंटी फाइव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज एप्लीकेबल टू इंटरम फाइनेंशियल रिजल्ट प्रेजेंटेड बाय एंटरप्राइज़ परसुएं टू द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टू स्टैचू के रिक्वायरमेंट थी ठीक है इसलिए जो है हमने इंटरम फाइनेंशियल रिजल्ट प्रेजेंट करें और अगर वेदर एस ट्वेंटी फाइव एप्लीकेबल टू द्लीकेबल ये जो है एज ट्वेंटी फाइव जो है यह एप्लीकेबल है क्या इंटरम फाइनेंशियल रिजल्ट पे भी फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट जो है अंडर क्लास फोर्टी वन ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट ठीक है अब क्या करें रिकमेंडेशन टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ़ एज ट्वेंटी टू फर्स्ट ठीक है फिनेंशियल रिजल्ट ठीक है तो क्या बोला रहा है एज ट्वेंटी फर्स्ट फिनेंशियल रिजल्ट द प्रेजेंटेशन एंड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट कंटेन इन एज ट्वेंटी शुड बी अप्लाइड ओनली ये एज ट्वेंटी फाइव द रिकमेंडेशन एज एप्लीकेबिलिटी ऑफ एज ट्वेंटी फाइव टू फर्स्ट वन फिनेशियल रिजल्ट द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कंटेन्यू एज ट्वेंटी फाइव शुड भी अप्लाइड ओनली ये तभी अप्लाई होगा इफ एन इंटरप्राइज प्रिपेयर एंड प्रेजेंट एंड इंटरिम फिनेशियल रिपोर्ट एज डिफाइंड इन एज ट्वेंटी फाइव तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो एज ट्वेंटी फाइव के वो तभी अपलाई होगा अगर इंटरप्राइज प्रिपेयर एंड प्रेजेंट इंटरनेम फाइनेंशियलियलियलियलिय रिपोर्ट अकॉर्डिंगली इंटरप्राइज प्रेजेंट एंड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट कंटे एज ट्वेंटी फाइव आर नॉट रिक्वायर्ड इसके से हम बोल रहे हैं कि ये जरूरत नहीं है आर नॉट रिक्वायर टू बी अप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरम फिनेशियल रिजल्ट विच डू नॉट बिट द डेफिनेशन ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट तो सबसे पहले जो फिनेंशियल रिजल्ट है ठीक है तो जो फिनेंशियल रिजल्ट है वो फिनाशियल रिजल्ट प्रेजेंटेशन एंड डिस्कलोजर रिक्वयरमेंट कंटेंट इन एज ट्वेंटी फाइव शुड भी अपलाइड ऑनली वो तभी अप्लाई होना चाहिए इफ एन इंटरप्राइज प्रिपेयर एंड प्रेजेंट इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट अगर इंटरप्राइज जो है प्रेजेंट कर रही है अपनी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट ठीक है अगर इंटरप्राइज प्रिपेयर कर रही है प्रेजेंट कर रही है अपनी इंटरिम फिनेंशियल रिपोर्ट तब लगेगा तो इंटरिम फिनेंशियल रिपोर्ट होना चाहिए ठीक है एंड अकॉर्डिंगली प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ एस ट्वेंटी फाइव रिक्वायर्ड नहीं है अगर जो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है ठीक है तो इंटरिम फिनेंशियल रिपोर्ट होना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेंटी फाइव सजेस्टेड प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफाइंड ओके ठीक है ओके द रिक्नीशन एंड मेजरमेंट प्रिंसिपल इन एज ट्वेंटी अप्लाइड फॉर रिकोगशन एंड मेजरमेंट ऑफ आइटमशियल समझो क्या बोला है कि फर्दर एज पर दैंडर्ड इफ दर इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विद इन द करंट फाइनेंशियल ईयर करंट फाइनेंशियल ईयर में चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है दैन सच अज शुड बी अपलाइड रेट्रोस्पेक्टिवली तो वो जो अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है ना वो अपलाय होगा रेट्रोस्पेक्टिवली बाई री स्टेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रायर इंटरमिंग पीरियड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर ठीक थोड़ा सा ना इसमें रटने का है यार तो थोड़ा सा देख लेना बट हाँ अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है ठीक है फर्दर एज पर द स्टैंडर्ड अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है विद इन द करंट फाइनेंशियल ईयर तो चेंज शुड भी अपलाइड रेट्रोस्पेक्टिवली तो ये जो चेंज है ना वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होना चाहिए बाय री स्टेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कैसे रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होना चाहिए बाय री स्टेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रायर इंटरविंग पीरियड ठीक है तो प्रायर इंटरविम पीरियड को री स्टेट कर दो अकाउंटिंग पॉलिसी के रिस्पेक्ट में अकाउंटिंग एस्टिमेट के रिस्पेक्ट में नहीं एज पर एज ट्वेंटी वन सजेस्ट एड प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट स्कीम तो प्रोविजन बनता है ना इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट स्कीम कि इतना बेनिफिट हम देंगे ही देंगे तो प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट स्कीम लाइक पेंशन ग्रेचुअली फॉर एन इंटरिम पीरियड शुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ईयर टू डेट बेसिस तो ये बोल रहे हैं कि प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट स्कीम तो डिफाइंड बेनिफिट स्कीम का जो भी प्रोविजन है ठीक है अब जो है डिफाइंड बेनिफिट स्कीम के तहत जो भी प्रोविजन है ठीक है शुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन ईयर टू डेट बेसिस बाय यूजिंग द एक्चुअली डिटर्मिनेबल रेट्स तो बेस्ड ऑन ईयर टू डेट बेसिस वो ईयर टू डेट बेसिस पे होना चाहिए बेस्ड ऑन एक्चुअली एक्चुअली डिटरमाइंड रेट्स एट द एंड ऑफ प्रायर फाइनेंशियल ईयर ठीक है तो शुड बी बेस्ड ऑन ईयर टू एंड ईयर टू डेट बेसिस बाय यूजिंग एक्चुअली डिटर्माइनेबल रेट्स एट द एंड ऑफ प्रायर फाइनेंशियल ईयर एट द एंड ऑफ प्रायर फाइनेंशियल ईयर के एंड पे ठीक है तो एक्चुअली डिटर्माइनेबल रेट्स एट द एंड ऑफ प्रायर फाइनेंशियल ईयर तो पिछला फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा जो रेट होगा उस रेट पर ही उस रेट के हिसाब से आपको ईयर टू डेट बेसिस पे इधर भी आपको डीबीपी का प्रोविजन कैलकुलेट करना है ठीक है तो एडजस्टेड फॉर सिग्निफिकेंट मार्केट फ्लक्चुएशन सिंस दैट टाइम तो जो भी कोई मार्केट फ्लक्चुएशन है ठीक है कंटेनमेंट सेटलमेंट या अदर सिग्निफिकेंट वन टाइम इवेंट है तो यार देखो सिग्निफिकेंट मार्केट फ्लक्चुएशन है सेटलमेंट है तो मार्केट फ्लक्चुएशन है कर्टेनमेंट सेटलमेंट है वन टाइम इवेंट है तो ये सब को देखते हुए ठीक है तो मार्केट फ्लक्चुएशन कंटेमेंट सेटलमेंट वन टाइम इवेंट को देखते हुए अब जो हमने बात करी थी बैलेंस शीट स्टेटमेंट और पीएनएल और कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे पहले बैलेंस शीट में पढ़ा था अपने कि फाइनेंशियल करंट इंटरिम पीरियड और इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का कंपेरेटिव तो में ठीक है तो करंट में करंट इंटरिम पीरियड और इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर पीएनएल में क्या था करंट इंटरिम पीरियड और ईयर टू डेट इसमें कंपेरेबल में कंपेरेबल इंटरिम पीरियड और कंपेरेबल ईयर टू डेट और इधर क्या था कैश फ्लो स्टेटमेंट में ईयर टू डेट उसमें कंपेरेबल ईयर टू डेट इस तरीके से था ठीक है बाकी गाइडेंस नोट ऑन मेजरमेंट ऑफ बस आखिरी पॉइंट है कि गाइडेंस नोट ऑन मेजरमेंट ऑफ इनकम टैक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या बोला है कि गाइडेंस नोट ऑन मेजरमेंट ऑफ इनकम टैक्स फॉर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये इंपॉर्टेंट है कैलकुलेट एक्चुअल इनकम अप टू द करंट इंटरम फिनेंशियल रिपोर्टिंग तो एक्चुअल इनकम और एस्टिमेटेड इनकम फॉर द रिवेनिंग इंटरम पीरियड तो हमने एक्चुअल इनकम कैलकुलेट करी और जो है एस्टिमेटेड इनकम कैलकुलेट करी अलॉन्ग विदेशन ऑफ रेगुलर इनकम और स्पेशल इनकम सच एज कैपिटल गेन अब कैलकुलेट टैक्स एक्सपेंसेस ऑन अबव तो क्या टैक्स एक्सपेंसेस स्पेशल टैक्स डेफर टैक्स नॉर्मल टैक्स ऑन अबव एक्चुअल और एस्टिमेटेड टैक्सेबल इनकम फॉर द इंटायर वाइज टैक्स एक्सपेंस आपने कैलकुलेट किया ऑन द एक्चुअल और एस्टिमेटेड टैक्सेबल इनकम फॉर द इंटायर ईयर वाइज कैलकुलेट वेटेड एवरेज टैक्स रेट अब समझो एक्चुअल इनकम एस्टिमेट इनकम टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट किया अब कैलकुलेट वेटेड एवरेज टैक्स रेट फॉर द डिफरेंट टैक्सेस सेपरेटली तो रेगुलर वेटेड एवरेज टैक्स रेट और स्पेशल वेटेड एवरेज टैक्स रेट तो वेटेड एवरेज टैक्स रेट में अगर रेगुलर है तो रेगुलर टैक्स डिवाइड बाय रेगुलर इनकम तो वेटेड एवरेज आएगा स्पेशल वेटेड एवरेज टैक्स रेट है तो स्पेशल टैक्स डिवाइड बाई स्पेशल इनकम है और वी डोंट नीड टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज स्पेशल टैक्स इट इज टू बी अप्लाइड ऑन स्पेसिफिक बेसिस तो हमको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है वेटेड एवरेज स्पेशल टैक्स को इफ इट इज टू बी अप्लाइड ऑन स्पेसिफिक बेसिस अब डेफेट टैक्स वेटेड एवरेज रेट है तो डेफेट टैक्स डिड बाई रेगुलर इनकम तो रेगुलर वेटेड एवरेज है तो रेगुलर टैक्स डेफर्ट है टो डेफर्ट टैक्स तो रेगुलर तो रेगुलर इन इकम स्पेशल है इनकम टैक्स है तो रेगुलर इनकम ये रेगुलर इनकम पे रेगुलर टैक्स और रेगुलर इनकम पे डेफर टैक्स ऐसा होता है फिर कैलकुलेट टैक्स एक्सपेंस फॉर द इंटरिम फिनेशियल रिपोर्टिंग बेस्ड ऑन एक्चुअल इनकम एंड वेटेड एवरेज टैक्स रेट तो सपोज करो अभी इस पर हम क्वेश्चन तरीके से पढ़ेंगे करेंगे ही करेंगे बट क्या करेंग, करेंग, बोल रहे हैं कि कैलकुलेट एक्चुअल इनकम अप टू करंट इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैलकुलेट करना एक्चुअल इनकम अप टू करंट इंटरम फिनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एस्टिमेटेड इनकम रिमेनिंग का ठीक है और वाईफर्केशन भी कर देना ठीक है तो तुमने एक्चुअल कमाया और एस्टिमेट कमाया जो भी कमाया तुमने वाईफरकेट कर दिया कि ये रेगुलर है ये स्पेशल है रेगुलर के रिस्पेक्ट में तो आपने रेगुलर वेटेड एवरेज टैक्स रेट एवरेज वेटेड एवरेज टैक्स रेट कमा दिया स्पेशल में स्पेशल वेटेड एवरेज टैक्स रेट कमा दिया अब जो है कैलकुलेट करना टैक्स एक्सपेंडिचर ऑन अबाव एक्चुअल और एस्टिटेड टैक्सेबल इनकम ठीक है तो रेगुलर स्पेशल इनकम है रेगुलर स्पेशल इनकम में फिर आपने स्पेशल टैक्स कैलकुलेट किया डेफर टैक्स कैलकुलेट किया नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट किया और उसका वेट 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 बना दिया ठीक है तो क्या बोलूँ मैं कि अगर आप देखें तो एक्चुअल और एस्टिमेटेड उसका रेगुलर इनकम स्पेशल इनकम तो रेगुलर इनकम स्पेशल इनकम में फिर रेगुलर स्पेशल टैक्स से डेफर टैक्स से और नॉर्मल टैक्स से जो भी टैक्स निकलता है वो आपने टैक्स कैलकुलेट करा ठीक है अब इस तरीके से जो है हमने स्पेशल टैक्स का स्पेशल टैक्स हमने स्पेशल टैक्स का जो है हमने स्पेशल इनकम के अकॉर्डिंग निकाल लिया रेगुलर टैक्स का जो है हमने जो है रेगुलर वेटेड एवरेज टैक्स रेट निकाला और डेफर्ड वेटेड एवरेज टैक्स रेट निकाला अब कैलकुलेट टैक्स एक्सपेंस ऑन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बेस्ड ऑन एक्चुअल इनकम एंड वेटेड एवरेज टैक्स रेट हाँ तो हमको कैलकुलेट करना है टैक्स एक्सपेंस फॉर इंटरिम फिनेंशियल रिपोर्टिंग हमको टैक्स एक्सपेंस इसका कैलकुलेट करना है फॉर इंटरिम फिनेंशियल रिपोर्टिंग बेस्ड ऑन एक्चुअल इनकम बेस्ड ऑन एक्चुअल इनकम तो टैक्स एक्सपेंस फॉर आई एफ आर बेस्ड ऑन एक्चुअल इनकम तो फिर एस्टिमेटेड इनकम क्यों कैलकुलेट करवाया है तो कैलकुलेट टैक्स एक्सपेंस फॉर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बेज ऑन एक्चुअल इनकम एंड वेटेड एवरेज टैक्स रेट ठीक है हम टैक्स एक्सपेंस तो निकाल लेंगे वेटेड एवरेज टैक्स रेट भी निकालेंगे पर ये तो हमने निकाल लिया ना चलो डिस्ट्रीब्यूट स्पेशल टैक्स इन द रेशियो ऑफ जो हमने स्पेशल टैक्स है इन द रेशियो ऑफ स्पेशल इनकम रेशियो डिस्ट्रीब्यूट डेफर टैक्स एंड नॉर्मल टैक्स इन द रेशियो ऑफ नॉर्मल इनकम रेशियो तो ऐसा है कि स्पेशल टैक्स को स्पेशल इनकम रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और डेफेड टैक्स और नॉर्मल टैक्स को नॉर्मल इनकम रेशों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सी इस पर जो है बेटर है कि हम इस पर जो है क्वेश्चन इस पर क्वेश्चन हम करेंगे ठीक है तब जाके हमको बेटर तरीके से समझ में आएगा पर ठीक है हमने एक्चुअल इनकम कैलकुलेट करी एस्टिमेटेड इनकम करी वाईफाई क्रेडिट कराया टैक्स एक्सपेंसेस निकाले वेटेड एवरेज निकाल लिया बस यहाँ तक देख लेते हैं अपन ठीक है अब टैक्स एक्सपेंस निकालना है ऑन आईएफआर बेस्ड ऑन एक्चुअल इनकम एक्चुअल इनकम के बेसिस पे आई एफ आर का टैक्स एक्सपेंसेस निकालना है एंड वेटेड एवरेज टैक्स रेट्स ठीक है तो वेटेड एवरेज टैक्स रेट तो हम निकाल चुके हैं तो हमने टैक्स एक्सपेंस भी शायद तक तो कैलकुलेट कर लिया है ओके तो ठीक है बेस्ड ऑन एक्चुअल इनकम तो मुझे लग रहा है कि ये जो है रेगुलर और डेफर टैक्स ये मिलकर टैक्स एक्सपेंस होता है और वेटेड एवरेज टैक्स रेट हम निकाल ही लेंगे ठीक है तो वेटेड एवरेज टैक्स रेट तो बोला ही था ना तो वेटेड एवरेज टैक्स रेट तो हमने निकाला है फिर स्पेशल टैक्स को स्पेशल इनकम के रेशियो में बांटेंगे डेफर टैक्स को और नॉर्मल टैक्स को नॉर्मल इनकम के रेशियो में बांटेंगे क्योंकि डेफर टैक्स और हमारा जो रेगुलर टैक्स है तो वो तो रेगुलर इनकम के बेसिस पे ही बना है तो ठीक है हम ऐसा करते हैं अब इस वीडियो को हम इधर ही ओवर करते हैं और फिर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चनस करते हैं ठीक है तो हमने क्या करा हमने इधर जो है एज ट्वेंटी फाइव में हमने जो है इंटरिम की डेफिनेशन पढ़ी इंटरिम फिनेंशियल रिपोर्ट की डेफिनेशन पढ़ी कंप्लीट और कंडेंस एड के बारे में बात करी इंटरिम फिनेशियल रिपोर्ट में हमने बैलेंसटीट पी एन एल फ्लो नोट्स टू अकाउंट के बारे में बात करी फिर कंडेंस्ड और कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट की बात करी और बाकायदा जो नोट्स टू अकाउंट में क्या क्या, -क्या इंक्लूड होना चाहिए उसकी बात करी ठीक है ये दस पॉइंट आते हैं ये हमने इसकी बात करी बाकी जो है हमको कितना प्रेजेंट क्या प्रेजेंट करना है किस तरीके से पीरियड फॉर विच इंटरिम फिनेंशियल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट हम वो हमको वो भी करना है ठीक है वो भी देखना है मर्टेलिटी तो देखनी ही देखनी है साथ में जो भी वो सीजनली और ओकेजनली जो भी अगर रिवेन्यू रिसीव हो रहा है तो हम ये देख लो कि क्या अन ईवनली वो एक्सपेंडिचर है क्या जो कॉस्ट इंकर हो रहा है अन ईवनली और अप्रोप्रिएट है क्या उस टाइप ऑफ उस टाइप ऑफ कॉस्ट को डेफर करके डेफ़र कर सकते हैं एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर तो वो भी देखना पड़ता है और तब जाके हम डेफर कर सकते हैं फिर बात आती है कि गाइडेंस वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिर बात आती है हम कि एस ट्वेंटी फाइव सजेस्ट करता है कि डिफाइंड बेनिफिट स्कीम जो आप कैल्कुलेट करते हो ना तो उसका जो प्रोविजन बनता है ना वो ईयर टू डेट बेसिस पर बना लो अब जो रेट होगा वो रेट आपका एक्चुअल वैल्यूएशन रेट होगा जो आपने प्रीवियस प्रिसडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो रेट होगा उस रेट के अकॉर्डिंग बना लो ठीक है और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है तो उसका अपलिकेशन रेट्रोस्पेक्टिवली होता है तो आपको प्रायर इंटरिम पीरियड को भी ठीक है तो प्रायर इंटरिम पीरियड को भी आपको जो है रीस्टेट करना पड़ जाता है फिर हमने ये स्टेट टेबल देखा टेबल देखने के बाद हमने गाइडेंस नोट टैक्स सेशन के ऊपर पढ़ा ठीक है तो इस तरीके से अपन ने जो है इस पर अब आगे जो है हम क्वेश्चन करेंगे हैं तो सो आपको थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ये अब इसके बेसिस पर क्वेश्चन करना है और नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर ही है ठीक है